हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नवीन कुमार। और आज की एक नई ताज़ा खबर आई हुई है कि जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर दिया है जो शुगर वाली जो कंपनियां हैं उनको, तो इसके रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है। और साथ में ये भी दिया गया है जो अथॉरिटीज़ है उनको कि जो शुगर की जो जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो जाए, जो डोमेस्टिक जो यूज़ होता है इंडिया के अंदर में शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो रेट्स शुगर की बढ़ सकती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बट साथ में ही इंडस्ट्रीज जो है जो कि ये काम करती है शुगर केन से जो शुगर प्रोड्यूस करती है वो एथेनॉल भी प्रोड्यूस कर सकती है, तो उनको परमिशन दे दी गई एथेनॉल और प्रोड्यूस करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। तो अब इस चीज़ का खबर जो है इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ फैली है उसके बाद में जो शुगर से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं वो अच्छे खासे दाम ऊपर गए हैं उन कंपनियों के। तो इस वीडियो को हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या उछाल क्यों आया भाई, इतनी खुशी क्यों मार्केट में फैल रही है इस न्यूज़ की वजह से, और कौन सी दो कंपनियां मेरे को यहाँ पे अच्छी लग रही हैं जिनकी वैल्यू अच्छी है, तो उन दो कंपनियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो क्यों मुझे अच्छी लग रही हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कंपनियों को इतना फ़ायदा क्यों हो दिखता है। तो अगर उसके लिए हम कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन भी अगर निकाल के देखने की कोशिश करते हैं, तो एक कंपनी है जैसे कि मान के चलिए कि अवध शुगर एंड एनर्जीज, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आज के दिन वो लगभग 39,000 टन्स की है। दैट मीन्स 39,000 टन्स पर डे के हिसाब से ये जो कैन्स होते हैं उनको क्रश कर सकती है। कैन्स मतलब शुगर कैन्स वाले जो, उनको क्रश कर सकती है। अब 39,000 तो साल का कितना, मैं बोलता हूँ कि अगर 360 में से अगर 300 दिन ही काम करती है अगर फैक्ट्री, तो यहाँ पर 3,300 डेज के अगर साथ में देखेंगे तो 1 करोड़ 17 लाख के आसपास में, 1 करोड़ 17 लाख टन्स के आसपास में इन्होंने शुगर केन्स क्रश कर दिए। इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो केजी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं अभी, तो इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे हमें समझ में आता कि एक जब 1,000 किलो या फिर 1 टन से लगभग 100 लीटर शुगर निकलती है, सॉरी 100 केजी शुगर निकलती है। इसी के साथ में 1 टन शुगर केन से अगर बिना शुगर निकाले हुए अगर हम उसमें से एथेनॉल निकालते हैं, देखो शुगर केन को पहले क्रश किया जाता है, उसके बाद में उसमें जो एक जूस तैयार होता है उस जूस को बाद और फिल्टर किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो उसमें से जो जैसे जैसे हम शुगर बाहर निकालते जाते हैं उस जूस के अंदर में से हीट कर करके, तो उसमें से पीछे जो पीछे माल जो बचता है उसको हम बोलते हैं मोलासेस। उस मोलासेस जो होते हैं उसके जब शुगर निकालने के एक बार हीट किया तो मोलास पीछे बच गया और बाकी शुगर निकल गया, दोबारा हीट किया तो दोबारा से थोड़ी बहुत शुगर निकली और फिर मोलास बच गया, तो वो जो मोलास पीछे बचता है वो गाढ़ा होता जाता है। उस मोलास में जितनी शुगर की क्वांटिटी होगी उतना ही ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन हो सकती है। इसीलिए अगर आप नोटिफिकेशन पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी हैवी मोलासेज एज वेल एज सी हैवी मोलासेज, तो यूजुअली 3 बार उसको गर्म कर करके उसमें शुगर निकाली जाती है उस जूस सिरप के अंदर में से। तो अगर बिना शुगर निकाले हुए उस जूस में से अगर हम लोग एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी एथेनॉल की। फिर बी लेवल के जो बी हैवी मोलासेज इसमें से भी प्रोडक्शन होगी बट वो कम होगी, लगभग 30 से 40 लीटर्स के आसपास में होगी। और सी हैवी मोलासेज के अंदर में से भी शुगर निकल जाती है क्योंकि उसमें शुगर के कंटेंट कम हो जाएगा तो उसमें से एथेनॉल भी कम बनेगा। तो अब अगर हम लोग बिना शुगर निकाले हुए अगर उस सिरप में से इस पूरा एथेनॉल में कन्वर्ट करें तो 1 टन शुगर में से लगभग 70 किलो 70 से 80 लीटर के आसपास में एथेनॉल बनती है, ऐसा बेसिक रूल है। बाकी वो वेरी भी होता रहता है बट एक जनरल टर्म्स के अंदर में 70 से 80 लीटर के आसपास में निकल जाता है। अब यहाँ पे आज के दिन जो गवर्नमेंट की रेट्स चल रही हैं एथेनॉल को लेकर के अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो वो एथेनॉल की जो रेट चल रही है वो जो शुगर केन से डायरेक्ट निकलती है उसका 65 पर लीटर के आसपास में एथेनॉल की रेट चल रही है। और शुगर जो फैक्ट्रीज होती हैं शुगर में कन्वर्ट करने के बाद में जब शुगर को बेचती है तो उसकी जो उनको रेट मिलती है, तो हमें जब मिल रही है 40 रुपये किलो तो उनको 30 रुपये किलो के आसपास मिलती है, तो हम 30 का एक एवरेज मान के चलते हैं कि उनको 30 रुपये में बिकती है उनकी पर केजी। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन सिंपल है, इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 100 कर देंगे, डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो यहाँ पर सीधा सीधा ही हो गया इसको, तो हमारे पास में आ गया ये वाला पोर्शन। सो इतना शुगर जो है एक साल में कंपनी अगर 300 दिन में फैक्ट्री चलती है तो मतलब बना लेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आज के दिन कंपनी 30 रुपये किलो भी अगर बेचती है तो कंपनी को यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा जो जनरेट हो रहा है वो 3,510 करोड़
के आसपास में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सिर्फ शुगर बेचने से। इसी की जगह अगर कंपनी क्या करती, सिंपल सा काम करती, अगर कौन सा 39,100 इसको मल्टीप्लाई कर दो एक चीज और से, दैट इज 1,000 एंड इसको अब डिवाइड बाय, इसको डायरेक्ट ही कर दो ना, मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये हमारे पास में आ जाएगा क्वांटिटी। ओके, तो ये वाली जो क्वांटिटी हमारे सामने आई है, अब हमें जो एथेनॉल जो प्रोडक्शन है, इतना एथेनॉल प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा जितना कंपनी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, जो एथेनॉल की प्राइस चल रही है 65 रुपीज़ पर लीटर, तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5,323 करोड़। तो जहाँ उतने ही शुगर केन से जो जनरेट हो रहा था 3,500 करोड़ कंपनी जनरेट कर रही थी, वहीं पे यहाँ पे 5,553 करोड़ के आसपास में जनरेट कर पा रही है रेवेन्यू। तो ये है डिफरेंस रेवेन्यू में, अंदर में डिफरेंस, इसलिए शुगर की जो कंपनियाँ होती हैं वो खुश होती हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है गवर्नमेंट के लिए कि अगर कंपनियों मुनाफे के लिए सिर्फ एथेनॉल ही कन्वर्ट करती जाए, एथेनॉल ही बनाती जाए, तो शुगर की जो क्वांटिटी होती है इंडिया में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड जो होगी वो डिमांड तो सेम ही है बट सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो अगर चीनी, चाय चीनी अगर देश में महंगी हो जाएगी तो फिर सरकार के ऊपर में बहुत बड़ा एक सवाल उठता है उसकी गवर्नेंस के ऊपर में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर में। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो शुगर का प्रोडक्शन भी हिसाब से चलता रहे और एथेनॉल जो है उसका भी प्रोडक्शन बना रहे। तो अब अपने को ये देखने को मिल गया कि कैसे कंपनियों की जो प्रोडक्शन, अगर उसी एथेनॉल की अगर पूरी परमिशन मिल जाती है तो कंपनी यूजुअली 30-40% के आसपास पर रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती हैं, राइट। एक काइंड ऑफ दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के रखते हुए, अगर बैलेंस बना के रखती है तो भी। तो यहाँ पे सारी की सारी कंपनी, जैसे ये कंपनी है कौन सी, अवध शुगर्स कंपनी है, तो इसका अगर इस साल का, अगर पिछले साल का अगर रेवेन्यू चेक करते हैं तो 2,700 करोड़ के आसपास में है। यहाँ पर 30-40% का इंक्रीज आने के चांसेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,100 करोड़ तक आसपास तक जा सकता है, और उससे भी ऊपर तक जा सकता है इस साल का, ठीक है। जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट्स निकल के आएंगे वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो अब ऑलरेडी ये जो कंपनी है, जो इसकी हम दो कंपनियों की हम बात करने वाले थे, यहाँ पर एक थी अवध शुगर्स एंड दूसरी जो कंपनी थी दैट इज डालमिया भारत शुगर, तो इनका ऑलरेडी जो पी रेशियो चल रहा है, जिस प्राइस पे कंपनियों का भाव चल रहा है आज के दिन, उस हिसाब से जो कंपनियां आज के दिन भी जो कमाई कर रही हैं वो ही ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में कंपनी है उनके मुकाबले बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं। तो अब इस नियम के बाद में ये अगर अपना जो प्रोडक्शन लाइन है उसको अगर एथेनॉल की तरफ में और शिफ्ट करती हैं तो इनका जो रेवेन्यू होगा, जिसकी वजह से इनका जो पी स्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा अच्छे से सुधरने का, जो फॉरवर्ड पी है वो सुधरने के चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से और ऊपर जाने के लिए जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये अपने को थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अब इसी के साथ में मैं अब इन दो कंपनियों को क्यों चूज़ किया, एक तो अवध शुगर को, एक यहाँ पर डालमिया को, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जिस कमाई पे चल रही है, उस जिस प्राइस पे चल रही है उसके हिसाब से कमाई अच्छी कर रही है क्योंकि पी रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, जिस नेटवर्थ के ऊपर में कंपनियों की जो वैल्यू है आज के दिन इन कंपनियों की, उसके हिसाब से ज़्यादा ऊपर भी नहीं चल रही, नेटवर्थ वाइज भी ठीक ठाक वैल्यू पे चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम इनके चार्ट को चेक करते हैं, जिसके हिसाब से पी पास्ट में जिस तरीके से कंपनियों ने कमाई की है, तो यूजुअली अब क्या होगा, अब ये अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कंपनी का जो पी लेवल है वो 15 के आसपास में चला गया है, जिसकी वजह से अब जैसे ही एथेनॉल प्रोडक्शन की जो बढ़ाने वाले हैं ये, उसकी वजह से जो पी है वो वापस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि अगेन ब्रेक इवन पे चला जाएगा, और ब्रेक इवन पे पी वापस जाते ही कंपनी का स्टॉक क्या होता है, ऊपर की तरफ में भागता है, जो कि पुश करेगा स्टॉक को अपना जो प्राइस लेवल है जो ऑलरेडी कंपनी का हाई बना हुआ है उससे भी ऊपर जाने के लिए पुश करेगा। यही सेम स्टोरी अवध शुगर के अंदर में है, जिसके अंदर में अगर आप पी का रेशियो की देखते हैं ये सेम वही स्टोरी, ब्रेक इवन, क्योंकि कंपनी का कमाई सुधरेगा, कमाई सुधरेगा तो पी सुधरेगा, तो जिसकी वजह से फॉरवर्ड पी अभी आज के दिन ही सुधरता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है
वो ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कंपनी के जो और कौन कौन से रीजंस कंपनी के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप लोग देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सिंपल बना हुआ है, कोई दिक्कत वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है जो प्रमोटर्स है। और दूसरे जो इसकी बात करते हैं डालमिया शुगर जो कंपनी है, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी यहाँ पर हाइएस्ट जितना शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के पास में लेना चाहिए वो पूरा लेकर के बैठे हुए, बाकी पब्लिक के हाथ में सिर्फ 24% के आसपास में ही मिला हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग और बैलेंस शीट की भी अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास में इसके पास में इस बार लोन बढ़ा है, डालमिया शुगर के पास में अगर लोन स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो बढ़ा है। और लोन क्यों लिया गया है और वो पैसा कहाँ लगाया कंपनी ने, एक तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स मतलब और अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए पैसा लगाया गया है, तो कैपेसिटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और दूसरा जो पैसा लगाया गया कंपनी ने अपना इन्वेंट्री कंपनी के पास में अच्छी खासी पड़ी हुई है, सो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब आज के दिन जो कंपनी ने अपना जो जो बढ़ाया है जो लोन बढ़ाया है उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स कितना ज़्यादा हिंडर हो सकते हैं, कितना ज़्यादा उस पर दिक्कत आ सकती है उसको अगर चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो कंपनी 111 करोड़ रुपए हर क्वार्टर कंपनी ने कमा रही है जून के हिसाब से, जिस पे कंपनी ने 26 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, दैट इज अराउंड 20% के आसपास में कंपनी ने 20% के आसपास में इंटरेस्ट पे किया है। तो वो है तो थोड़ा सा हायर साइड में, इंटरेस्ट थोड़ा हायर साइड में ही पे कर रही है कंपनी यहाँ पर, ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि अगर कंपनी का लोन अगर थोड़ा सा और बढ़ गया या फिर क्योंकि प्रोडक्ट देखो रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लोन है ये थोड़ा सा डाउन साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो इंटरेस्ट है ग्रोस प्रॉफिट के मुकाबले जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हमेशा 10% ही हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, बट यहाँ पर रेवेन्यूज की बढ़ने की वजह से ग्रोस प्रॉफिट्स के बढ़ने के चांसेस है, तो हो सकता है कि ये जो 10% है उस लेवल से नीचे चला जाए आगे चल के, बट आज के हिसाब से खराब है। नेक्स्ट अगर यही चीज़ हम लोग अगर डालमिया शुगर के अंदर में चेक करते हैं, सॉरी अवध शुगर के अंदर में चेक करते हैं, तो हमें देखने को मिला है इस कंपनी ने भी अपना लोन बढ़ाया है, और अगर हम लोन अमाउंट ग्रोस प्रॉफिट के हिसाब से चेक करते हैं यहाँ पे तो 50 लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 57 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए हैं, जिसकी वजह से 29 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, जो कि लगभग 50% है, जो कि काफ़ी खराब है, जो कि काफ़ी खराब है। अब इसी चीज़ को देखते हुए दूसरी जो कंपनी है जैसे बलरामपुर चीनी है उसको चेक करते हैं यहाँ पर, राइट, क्योंकि बलरामपुर चीनी इस पूरे मार्केट की एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसको अगर एक बार चेक कर लेते हैं तो इस कंपनी का भी क्या यही हाल है, तो यहाँ पर इस कंपनी ने भी अपना लोन बढ़ाया है और जून क्वार्टर का अगर हम चेक करते हैं तो इसका भी ग्रोस प्रॉफिट काफ़ी कम है और जो इंटरेस्ट का वाला जो पार्ट है वो पूरे पार्ट का लगभग 20% के आसपास में निकल के आता है, 20-25% के आसपास पे, जो कि पूरे मार्केट की ही यही हालत बनी हुई है। तो अब ये पूरे मार्केट की यही हालत बनी हो रही है उम्मीद से कि जब ऑलरेडी इस टाइप की जो कंपनियां हैं इनका जो पी रेशियो है वो 22, पीबी रेशियो 3.53, तो इनसे बेटर कमाई करने वाली कंपनियां डालमिया शुगर हो गई, अवध शुगर हो गई, इनकी वैल्यू इतनी नीचे क्यों चल रही है, इसका मतलब इनकी वैल्यू को भी ऊपर जाना चाहिए, इन्वेस्टर्स की नज़र भी इनके ऊपर में पड़ सकती है। सो आई एम पॉजिटिव आफ्टर दिस नोटिफिकेशन ऑन बोथ ऑफ दिस कंपनीज, अवध शुगर एंड डालमिया शुगर। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ को देखते हुए तो वो भी आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और फाइनली हम इस पर्टिकुलर इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे टाइम के साथ में, हमारा जो चार्ट बना हुआ उसके ऊपर में। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के और रिसर्च करके ले, ये सिर्फ एक लिमिटेड रिव्यू था। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ में, सी यू टुमारो।